गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू हाउस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिस सेशंस, राइट। लास्ट क्लास हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेशन देख लिया था एंड वी प्रैक्टिस्ड वन एग्जांपल, राइट। सो टुडे वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी प्रैक्टिस्ड। तो आई हैव मेड वन पीडीएफ, उसमें काफी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, हम लोग एक के बाद एक सबको कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वन, गणेश हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज 2,50,000। द फेयर रेंट इज 2 लाख and the standard rent is 2,10,000। तो पहले मैंने इन दोनों का हायर लेना है विच इज 250, और इसमें फिर लोअर लेना है। तो बेसिकली एक्सपेक्टेड रेंट विल बी 2,10,000। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट एट अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, ठीक है। टेनेंट जनवरी 24 को वेकेट कर दिया है, जनवरी 24 मतलब अप्रैल 23 से लेके जनवरी 24 ही हैज वेकेटेड। तो 7 मार्च 2 मंथ्स इज वेकेंसी, सो ड्यूरिंग दिस 10 मंथ्स unrealized rent was 20,000, means 1 month and rule 4 ka condition is satisfied, so I'm going to get deduction for it. Bahut simple hai, right? Let us do. Municipal tax is 8% of municipal valuation and interest on borrowed capital diya hua hai. To sabse pehle pura hum log स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू लेस एट परसेंट ऑफ 2,50,000। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 8% है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 8%। ये हमारा नेट एनुअल वैल्यू आएगा लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24 क्यों देखो अब आ रहे हैं क्या?
अब आ रहा है। इंटरेस्ट एंड लोन 65,000 है, ये हमारा 20,000 होगा, बस ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते ही नेट एनुअल वैल्यू आ जाएगा उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मेट, कंप्यूटेशन का फॉर्मेट फिक्स्ड होता है। एक्सपेक्टेड इन 2,10,000, टू फिफ्टी में और इसमें 250 लेंगे और फिर इन दोनों में लोअर लेंगे। रूल 4 इज सेटिस्फाइड, तो अनरियलाइज्ड रेंट विल बी डिडक्टेड। ये लेट आउट थ्रू आउट द ईयर का केस है। बारह महीना में 2 महीना वैकेंसी, 10 महीना लेट आउट, उसमें 1 महीना अनरियलाइज, तो पूरा 12 महीना लेट आउट है। अब हम लोग वैकेंसी दिखाएंगे 2 महीना। पहले ज्यादा बाद में कम, अनडिलीजेंट माइनस करने के बाद कंपेयर होगा, तो एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड ओनली ड्यू टू वैकेंसी। वैकेंसी के कारण अगर एक्चुअल रेंट कम होगा तो एक्सेप्शन लगता है, यहां पे सभी को मालूम है एक्चुअल रेंट को जीएवी लिया जाएगा। तो ये 160 आ गया, इसका 30% सिंपल कैलकुलेशन है, स्ट्रक्चर मेरा रेडी था पहले से ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन टू, पूर्णा हैज वन हाउस प्रॉपर्टी एट इंदरनगर इन बैंगलोर, शी स्टेज विथ हर फैमिली इन द हाउस, द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड इज 25,000 पर मंथ, सो दिस इज फेयर रेंट, 3 लाख रुपए पर एनम, म्युनिसिपल वैल्यू इज 280, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड इज 8,000, द हाउस कंस्ट्रक्शन began in April 2017 with a loan of 20 lakh taken from SBI at the rate 9% per annum on April 17. Construction 19-20 mein complete ho gaya hai. To 19-20 se pre-construction interest ka deduction milna chalu ho gaya hoga. 20-21 21-22, 22-23, this is the fifth year of pre-construction. Pre-construction interest ka total de diya. और ये हमारा इस साल का करेंट ईयर का इंटरेस्ट है. And she has not opted. She has shifted out from new tax regime. क्योंकि new tax regime में interest on loan का deduction नहीं मिलेगा. सबसे पहला बात मेरा ये सवाल है, interest calculation तो कर लेंगे. ये कौन सा type का property है? Self occupied. सबसे पहला जो point है, ये property जो है वो self occupied property है ये. ध्यान से देखिएगा, एक चार 17 को कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 30 नवंबर 19 को कंप्लीट हुआ, तो इट स्टार्ट्स विद द डेट ऑफ टेकिंग लोन और इसका ठीक प्रीसीडिंग 31 मार्च. दिस इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, तो यहां तक का इंटरेस्ट दे दिया 3,60,000. दिस इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर्स, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24. सो दिस इज आवर करेंट ईयर एज 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1920. सो दिस इज 1920, 21, 22, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 1, 2, 3, 4. This is the fifth year. Fifth year. So allowed hai? Pre-construction is allowed.
सो इंटरेस्ट फॉर द ईयर 23-24 इज 1/5 ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट प्लस करेंट ईयर इंटरेस्ट थ्री लैख सिक्सटी का 1/5 प्लस 1,80,000 अब अगर लेट आउट है तो पूरा अलाउड हो जाएगा, उसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो मैक्सिमम 2 लाख विल बी अलाउड एज डिडक्शन। करेंट ईयर में 240 पेटा पेमेंट किया, 240 है, उसमें 180 इज इंटरेस्ट। और करेंट ईयर में सेल्फ ऑक्यूपाइड है ये, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ब्रैकेट में सेल्फ ऑक्यूपाइड। शुरू ही होगा नेट एनुअल वैल्यू से, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी। वो अज्यूम कर लेंगे कंस्ट्रक्शन, तो देखो पहला पहला अजम्पशन लेने का दरकार नहीं है, कंस्ट्रक्शन विद इन 5 ईयर कंप्लीट हो गया है, पांच साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, और सर्टिफिकेट लेंडर से लेना पड़ेगा इंटरेस्ट का, वो दिया है वो, तभी ना मालूम चला 240 में 180 इंटरेस्ट है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर सोर्स ऑब्लिक हेड ऑफ इनकम, किसी के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है, ये कोई पाबंदी नहीं है इसमें। क्वेश्चन का डेटा ठीक से पढ़ने से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट,
पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड. देखो दिसंबर तक लेट आउट था, उसके बाद मैं खुद रहने लग गई. तो इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट फॉर फुल ईयर एंड लेट आउट पीरियड ओनली. ये नाइंसाफी है, कुछ कर नहीं सकता. उसमें भी दो महीने का यू आर अनरियलाइज रूल फोर सेटिस्फाइड. म्युनिसिपल टैक्स 12% म्युनिसिपल वैल्यू पे होगा, इंटरेस्ट 25,000. वेरी इजी प्रॉब्लम, लेट अस डू. इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है, ट्वेल्व परसेंट ऑफ 5 लाख हो गया ना. ये हमेशा म्युनिसिपल वैल्यू, इसलिए मैं इसको पहले निकाल दिया, नहीं तो बच्चे क्या करेंगे, जो जीएवी आएगा उसका 12% ले लेगा, गलत हो जाएगा. ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो उस पर्टिकुलर सिटी का जो लोकल पंचायत बॉडी होगा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, वो लोग लगाता है. नोट वन, जीएमवी 5 लाख, फेयर रेंट कितना है, 420. हायर रेस्ट्रिक्टेड टू स्टैंडर्ड रेंट, तो 480 लेंगे. तो हाई फिर लो, यहां पे रेंट फॉर लेट आउट पीरियड ही लेंगे, यही है उपाय, नहीं है ये पूरे पर एनम का है, लेकिन ये 9 महीने का ही लेंगे.
4,50,000, 50,000 into 9. कुछ कर नहीं सकते, हायर लेंगे क्योंकि वैकेंसी का केस नहीं है। तो अननेसेसरीली आप देखिए, नोशनल इनकम मैंने बताया था ना, मिला नहीं लेकिन फिर भी नोशनल इनकम इज चार्ज टू टैक्स। हायर के कारण आप 480 आपका जीएबी है, हायर के कारण आपका 4,80,000 जीएबी, बट एक्चुअली आपके पॉकेट में कितना आया, 3.5 लाख ना। जितना भी मैंने क्लास वन में जितना भी एग्जांपल्स कराया था वो वापस से रिपीट हो रहा है। देख लीजिए अच्छे से, फोर एट्टी आ गया, 420, 126, ठीक है। नेक्स्ट, तीन घर सेल्फ ऑक्युपाइड है, एनी टू को सेल्फ ऑक्युपाइड मानना है, अदर डीम टू बी लेट आउट। बोला अपना डिस्क्रिप्शन में कुछ भी सेलेक्ट करो लेकिन तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी सबसे कम आना चाहिए।
तो तीनों ऑप्शन में करके देख लेंगे। ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? ओल्ड टैक्स रिजाइम, यहां पे बोला नहीं है विच टैक्स रिजाइम यू हैज ऑप्टेड, ओल्ड हो चाहे न्यू हो, ऑप्शन वन में हाउस वन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस थ्री डीएलओ, हाउस वन थ्री सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस टू डीएलओ, हाउस टू थ्री सेल्फ ऑक्यूपाइड, हाउस वन डीएलओ। तो किसी भी घर को हम लोग डीएलओ मान सकते हैं ना, तो पहले काम करते हैं तीनों का पहले डीएलओ वाला इनकम निकाल लेते हैं, क्योंकि डीम टू बी लेट आउट में ओल्ड रिजाइम हो चाहे नया हो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं मिलेगा। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ हाउसेज आर ट्रीटेड एज डीएलओ। जीएवी एक्सपेक्टेड एंट्री जीएवी माना जाएगा। इन दोनों में हाई, फिर जो आएगा उसका लो, तो 3,00,375 में हाई क्या है? 3,75 रेस्ट्रिक्टेड टू 350, तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है 3,50,000, 360 सेकेंड वाले केस में, हाई 380 रेस्ट्रिक्टेड टू 375। थ्री सिक्सटी थ्री सेवेंटी फाइव। नेस म्युनिसिपल टैक्सेस ध्यान देना है,
म्युनिसिपल टैक्सेस जब हम लोग लेस करेंगे ना, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का लेंगे 12%, 8%, 12% ऑफ 3 लाख 36,000, 8% ऑफ 360 कितना 28,800, 6% ऑफ 330 कितना 19,800, परसेंटेज ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू NAV 3,14,000 कितना 331,200 345,200 कितना 355 ओके स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A 30% 94,200 99,360 और बोलो 106,560 डन डीएलओ में कोई लिमिट नहीं है पूरा 55,000 होगा और इसमें हम लोग लिया 175 का टू 19,800 बोलो 176,840 73,640 हाउस वन को तो डीएलओ मानना बेकूफी होगा एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा बट हो सकता है बाकी दो घर को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा हाउस वन को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना बेकूफी हो जाएगा क्योंकि लॉस क्रिएट ही नहीं होगा क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं तो लेट अस सी कॉम्बिनेशंस राइट ऐसे बात करके फायदा नहीं है लेट अस सी कॉम्बिनेशंस तीनों तो डीएलओ मानना नहीं है ना तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने दो डीएलओ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर मैं न्यू टैक्स रिजाइम में जाऊं ऑप्शन वन हाउस वन हाउस टू हाउस थ्री सेल्फ ऑक्यूपाइड डीएलओ निल निल इंटरेस्ट होने के बावजूद भी इसमें तो है ही नहीं हाउस वन सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो इंटरेस्ट है ही नहीं हाउस टू सेल्फ ऑक्यूपाइड में रिपेयर का है मैक्सिमम 30 मिलना चाहिए बट न्यू टैक्स रिजाइम में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन ही नहीं मिलता थर्ड हाउस को डीएलओ मानेंगे तो 73,640
तो इधर आपका टोटल इनकम 73,640 आएगा। ऑप्शन टू, हाउस वन सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस टू डीएलओ, हाउस थ्री सेल्फ ऑक्युपाइड। नील नील 176,840। फायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि न्यू टैक्स रिजाइम में सेल्फ ऑक्युपाइड का इंटरेस्ट और लोन का डिडक्शन नहीं मिलता है। हाउस वन डीएलओ, हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस थ्री सेल्फ ऑक्युपाइड, नील नील। तो इसमें तो हाउस थ्री को ही डीएलओ मानना चाहिए, क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, ये डिसीजन एसेसिंग ऑफिसर नहीं डिसाइड करता, एसएससी खुद करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप कोई भी एक घर को डीम टू बी लेट आउट बोल सकते हैं, बाकी दो सेल्फ ऑक्युपाइड। तो मैं ये वाला ऑप्शन में जाऊंगा, आई विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। न्यू टैक्स रिजाइम में मैं ये दो ऑप्शन में जाऊंगा, न्यू टैक्स रिजाइम में। अब देखता हूँ ओल्ड टैक्स रिजाइम में कौन सा बेस्ट आता है। हाउस वन सेल्फ ऑक्युपाइड का कोई फायदा नहीं है, हाउस वन सेल्फ ऑक्युपाइड का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट है ही नहीं। हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड है, लेकिन मैक्सिमम 30,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलेगा, रिपेयर का केस में मैक्सिमम 30 है, और इसको डीएलओ का इनकम आया हुआ है मेरा, तो इसका नेट इनकम आ रहा है 43,640। कोई फायदा नहीं है। हाउस टू को मैं डीएलओ मान रहा हूं, हाउस थ्री को मैं सेल्फ ऑक्युपाइड मानने से 1,75,000 का मेरे को इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, 1,75,000 का मिलेगा, ओल्ड टैक्स एग्जाम में मिलता है। तो देखो बेस्ट ये हुआ ना, हाउस वन को डीएलओ मानो, 219,800 दूंगा, हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड, हाउस थ्री सेल्फ ऑक्युपाइड, राइट। अब ध्यान से देखिएगा,
इसका 55 है, इसका 175। पहला बात तो ये रेस्ट्रिक्ट 30 में होगा, इसका कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा नहीं होने वाला है इन टोटल ना। दो लाख से ज्यादा नहीं होगा, अकेला सेल्फ ऑक्युपाइड हो चाहे दो से ज्यादा, एक से ज्यादा सेल्फ ऑक्युपाइड हो। एंड दो घर को तुम सेल्फ ऑक, पहले तो तुम एक ही घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता था, तो 30 या 2 लाख, लेकिन अब तुम दो घर को सेल्फ ऑक्युपाइड मान सकता, बट ओवरऑल 2 लाख से एक्सीड नहीं होगा। इसका तो ये कैप में गया, इंडिविजुअल कैप में गया, ये इंडिविजुअल कैप में पार होगा, लेकिन ओवरऑल 2 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता, ये आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन 2 बेस्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट सम एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए। ओके इसमें तो इंटरेस्ट लोन का डिडक्शन ही नहीं मिलता है न्यू टैक्स रिजाइम में सेल्फ ऑक्युपाइड का। आई हैव गिवन यू द फुल चार्ट। राइट हाँ, रिपेयर का 30 है, सेल्फ ऑक्युपाइड का 2 लाख, नॉर्मल परचेस कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। हाउस 3 का जो लोन लिया वो परचेस के लिए लिया हुआ है। गॉट माय पॉइंट? हाँ 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 ओके हाँ, ओवरऑल 2 लाख ओके। नंबर 5 पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड एरिया वाइज कंसिडर एज टू प्रॉपर्टीज। टू थर्ड वाला एरिया जो सेल्फ ऑक्युपेशन के लिए है, 1/3 वाला भाड़े में दे दिया, पूरा प्रॉपर्टी का
म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट दे दिया। पढ़ लो, बहुत सिंपल है। एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, तीनों डिवाइड होगा। एक्सपेक्टेड रेंट है कितना? 3 लाख, और 270 में हायर 3 लाख, ठीक है, 3 लाख ही आएगा। म्युनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू 3 लाख 30,000। इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया 1,20,000। बस इसको डिवाइड करना है एरिया में, 2/3 1/3। ठीक है, यहां पे दोनों में बोला है, पहला बोला शिफ्टेड आउट फ्रॉम न्यू टैक्स इज, मतलब ओल्ड वाला करना है और डिफॉल्ट इज न्यू। इसका डिफॉल्ट न्यू है, आप जो सेलेक्ट करते हैं ना, राइट, उसको आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। सो यू कैन ऑप्ट आउट ओनली वंस, वापस से आप चेंज नहीं कर सकते दोबारा। एक बार आप खाली ऑप्ट आउट कर सकते हैं, फिर वापस एक बार आप घुस गए तो लाइफ लॉन्ग वही फॉलो करना पड़ेगा। सैलरी वाला लोग हर साल कर सकता है, बट बाकी अदर्स केसेस में नहीं हो सकता। आपके सिलेबस में टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, सो लेट्स नॉट गो इन टू दैट डेप्थ राइट नाउ। अभी सिंपल हमको कराना है। एक चीज याद रखेगा, इनका डिफॉल्ट है नया, तो बोला दे हैव शिफ्टेड आउट। शिफ्टेड आउट मीन्स दे आर फॉलोइंग ओल्ड, और एक डिफॉल्ट ही फॉलो करेगा, नया ही फॉलो किया तो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड का नहीं मिलता नया में, राइट? आइए, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आएगा? 3 लाख, 270 में हायर क्या है? 3 लाख, 3 लाख, और 330 में लोअर क्या है? 3 लाख। राइट, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, इसका नहीं लेना है। गॉट माय पॉइंट?
नोट टू, म्युनिसिपल टैक्सेस होगा 10% ऑफ 3 लाख, 30,000। इधर नील आएगा, इधर 10,000। ओल्ड टैक्सी टाइम से कर रहे हैं हम लोग। राइट, इज इट फाइन एवरीवन? यहां पे लेंगे ओल्ड टैक्सी टाइम में 2/3, 1/3, तो 57,000 का लॉस आएगा इधर। ये चलेगा ओल्ड टैक्स सिस्टम में, दिस विल वर्क। न्यू वाले में फर्क क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा और लेट आउट वाले का इनकम माना जाएगा। ओल्ड वाले में टैक्स रेट एज कंपेयर टू न्यू वन ज्यादा है, उसमें डिडक्शंस वगैरह मिलता है। न्यू वाले में डिडक्शंस नहीं मिलता, टैक्स रेट कम है। सिंपल एक ही बात पड़ता है, आप दोनों तरीके से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे मेरा लोन चल रहा था हाउस प्रॉपर्टी, मैं भी भाड़े मैं सॉरी भाड़े पे रहता था, मैंने लोन लिया, मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन था। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में मेरे को मजा आ रहा था, तो आई वॉज इन द ओल्ड टैक्स डिजाइन। बट दिस ईयर माई फ्रेंड, लोन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मैं नए में जाएगा, मैं नए में जाएगा। अरे यार, तुमको इसके क्या लेना देना, मैंने कितने साल में लोन चुकाया? चलो मान लो 3 साल में मैंने चुका दिया, फिर क्या करना है उससे? चीज को, मुद्दा को समझो। मुद्दा ये है कि इंटरेस्ट ऑन लोन है तो आप ओल्ड में जाइए, न्यू में भी वैल्यूएट करिए बिना इंटरेस्ट कंसीडर किए। इधर में मेरा लॉस आ रहा है 57,000, यहां मेरा इनकम आ रहा है। आप खाली एक सोर्स देखने से नहीं होगा, ओवरऑल बाकी अदर सोर्स को भी ऐड करके देखिए, ठीक है? सो बाकी का जितना भी है वो आप लोग होमवर्क में करिएगा। वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।